क्या अगले सीजन में सीएसके की कप्तानी नहीं करेंगे एमएस धोनी। सीईओ ने दिया बड़ा बयान। इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन चेन्नई सुपर किंग्स और एमएस धोनी के लिए एक भयावह सपना साबित हुआ है। आईपीएल के इतिहास में पहली बार चेन्नई प्लेऑफ में क्वालिफाई करने में नाकामयाब रही है। इस सीजन में अभी तक टीम ने 12 मैचों में सिर्फ 4 मैच जीते हैं और वो पॉइंट टेबल में सबसे निचले यानी 8वें नंबर पर है। चेन्नई के इस प्रदर्शन को देखते हुए क्रिकेट जगत में धोनी की कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं। क्रिकेट के कई जानकारों का कहना है कि माही आईपीएल के अगले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान नहीं होंगे। इस बीच इस मुद्दे पर टीम के सीईओ ने बड़ा बयान दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि एमएस धोनी आईपीएल 2021 में भी टीम का नेतृत्व करेंगे। वह हमें 3 बार आईपीएल की ट्रॉफी जिता चुके हैं। यह पहला ऐसा साल है जब हम प्लेऑफ में नहीं पहुंचे हैं। एक खराब साल का मतलब यह नहीं कि सब कुछ बदल जाएगा। गौरतलब है कि आईपीएल 2020 के आगाज से पहले ही टीम के स्टार खिलाड़ी सुरेश रैना और हरभजन सिंह ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया था। सीईओ का कहना है कि इसी कारण टीम का संतुलन बिगड़ गया। उन्होंने कहा कि हम अपने क्षमता के हिसाब से इस सीजन में नहीं खेल सके। हम ऐसे मैच हारे जो हमें जीतने चाहिए थे। रैना और बाजी के नाम वापस लेने से टीम का संतुलन बिगड़ गया। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2020 में अभी 2 मैच और खेलने हैं। उसका अगला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ है, जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।